वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उससे ज़रूर किया करें। तो आज मैं इधर आ गई हूँ एक सिस्टर के पास। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है बाहर। मौसम वैसे तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन बारिश हर रोज आती है। हर रोज बारिश आती है, सिलाबी बारिश आ रही है हमारे पास। तो ये देखें ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये क्या कर रही है सिस्टर? एक बाजी बारिश है, ये जगह ढाई हो कोठे ढाई पे नहीं है, बड़े देखने हैं। जी हां, सारा गिर गया है। जी हां, ईंटें वगैरह सारी इकट्ठी कर दी गई है। जी हां जी हां। हां देखें इनका, ये देखें इनका। हां तो ये छत गिरी है मेरे ख्याल में, तो ऊपर से सारा कुछ टूट गया है। सब कुछ टूट गया है, तो सारा कुछ टूट गया, कच्चा नहीं बचा। हां हां, उधर पहले कमरा उधर था, कच्चा था पहले मेरे ख्याल। उधर भी कच्चा था, इन्होंने वो उधर से तोड़ा है, तो फिर इधर बनाया, छप्पर छप्पर ऐसे बना के बैठे। बच्चों के पांव पर लग रही है ईंटें, बच्चों को तो ना लाए ना इधर। तो ये अम्मी पीछे दी, ये देखें इनके हालात। ये बाहर से दीवार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके, देख सकते हैं आप। इधर से दीवार नहीं है, इनके बच्चे कपड़े भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, जूते भी नहीं, कुछ भी कह नहीं। हाँ जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आते हैं, ना उनके कपड़े पूरे होते हैं, ना ही जो ना जूते वगैरह, क्योंकि 200 तो 200 बनता है एक दो दिन, एक दिन का 300-400 इतना बन जाता है बस। हाँ बस इतना ही बन जाता होगा। ईंटे तो इनकी हैं, तो ऊपर से इनका वो नहीं है, गार्डर भी नहीं है, गार्डर हाँ। करने के लिए खर्चा होता है जो वो नहीं है। हाँ। तो दरवाजा दरी भी नहीं है। हाँ। बस ईंटे ली हुई है, तो ये ली हुआ है, छत की ईंटे भी नहीं है। छत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ना कहें सिस्टर, इसकी तो आंखें भी खराब है। देखें बच्चे की क्या है आंखों का, दीद कम है। हाँ उस दिन भी आपने कहा था, तो इनका आंख का भी मसला है। देखें बच्चों के हालात, इनके कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये बच्चों के कहाँ से कपड़े वगैरह? हाँ कहाँ से? कुछ भी कहनी, दीद के लोग कमजोर है। नहीं नहीं, कपड़े वगैरह इनके वो नहीं पहना है, तो कपड़े कहाँ है इनके? कशे भी कह नहीं पहना, वो मिनट पावे। अच्छा, ऐसे गुजारा करे। जी देखें इनके हालात, आप सब अंदर ही देख सकते हैं। ये इनके उन्होंने मेहनत मजदूरी करके कुछ और का काम करते हैं। ये तो है, आजकल वैसे भी महंगाई है बहुत ज्यादा। बिल्कुल महंगाई बहुत ज्यादा है, और उनकी रहने सहने की जगह भी ली हुई है, लेकिन कोशिश तो इंसान करता है ना, चाहे गरीब भी है, कोशिश तो कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कमरा बनवा लें, लेकिन फुर्सत नहीं हो रही, बारिश में ऐसे बैठे हुए हैं। एक छोटी सी इधर, अगर ऐसे अभी देखें बाहर बादल, देखे बहुत तेज गहरे बादल आए हुए हैं, आज फिर बारिश आएगी, फिर कहाँ जाओगे? बाहर बैठे रहोगे? इनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आओ सिस्टर, मैं आपके लिए राशन भी लेकर आई हूँ। डोकी पंप लगा गया है भाई? जी है, जी है। आओ दिखाओ, निके निके बाहर पानी पीना सब नहीं ले रहे। अच्छा सही, आओ ये आलू है, ये देखें माशाल्लाह आलू भी बड़े बड़े हैं। प्याज है, तो ये वो सामान है, ये ऐसे बता देते। अच्छा ये सामान है सिस्टर आपके लिए राशन का, सारा मुकम्मल सामान है। जी जी शाबाशी शाबाशी, अल्लाह से सबको बहुत दे, हमें भी दे और उन लोगों को दे जिन्होंने इतनी सपोर्ट की है आपकी। हाँ तो ये घी भी है इसमें, और चाय के डब्बे, दालें, चावल, सब कुछ है। ये देखें, ये मैं ऊपर निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं खोल नहीं रही, क्योंकि इनकी रखने की जगह भी नहीं है, ऐसे पेटी रख दी आपको मैंने, इनकी जगह दिखाई है, इनके कोई हालात नहीं है। हाँ देखें इनके जो है ना ऊपर छत बिल्कुल नहीं है, तो पता नहीं जब बारिश आएगी तो फिर ये कहाँ जाएंगी, इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे हैं ना? चार बच्चे हैं, तो इनका कोई सहारा नहीं है बैठने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे ये देखें, ये दीवार जो है ये भी कच्ची है लगता है। हाँ तो अभी इनको हमने जो है मोटर भी लगवा कर दी है, ये देखें अभी इसको चलाते हैं और चेक करते हैं, आपको पानी भी दिखाते हैं चेक करके। और जिसने ये लगाई है सिस्टर है, वो है हाजन फातिमा भी फराम, मेरी सिस्टर है बर्मी गांव से। हाँ। तो उसने ये मोटर लगवाई है, उसकी सास ने, उसके सास ने हाजी हाजन सदके जारिया हाजी फातिमा हाजन हाजन फातिमा भी फराम यूके से। हाँ।
उसने ये मोटर लगाई है, अपने सदके जारिये के लिए लगाई है। पानी देखे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा पानी आ रहा है और डोंकी पंप का पानी भी बहुत ज्यादा है। बच्चों को नहा के कपड़े नहीं है, बच्चों को नहा के पिलाए। तो ये खाटा भी बनवाया है, खाटा भी बनवाई है और मोटर भी। हाँ तो उनके लिए आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको सुख दे, सेहत दे। और हाँ ये देखिए इनका पानी का मसला तो हल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और राशन भी मैं कुछ ले आई हूँ। हाँ। लेकिन इनकी दीवार देखिए, इनका रहना सहना मैं आपको दिखा चुकी हूँ। हाँ। और मैं अम्मा जी के लिए बहुत ज्यादा दुआ करती हूँ जिसने ये भिजवाए हैं जी। तो अम्मा जी है उस सदके जारिया, अपने लिए उसने पानी लगवाया है। हाँ। कि ये मेरा पानी चलता रहेगा सारी जिंदगी, मुझे दुआ मिलती है। हाँ बिल्कुल, ये तो सदका जारिया है ना, जो और भी सपोर्ट करनी हो तो कर सकता है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि हर घर में मोटर लगे और राशन तो इनको मिलता रहे। क्योंकि पानी जाके मैं वीडियो बनाऊं, उनको राशन भी मिल जाए और डोंकी पंप भी मिल जाए, यही उनके लिए काफी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो हर वक्त कोशिश है गरीबों के लिए जी। तो अल्लाह पाक मुझे इसका कामयाबी दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सपोर्ट आती है मैं गरीबों तक पहुँच जी। बिल्कुल। तो अब खुश है आप, पानी भी आ रहा है आपका? खुश है, बहुत खुश है, बहुत। हां ये देखिए पानी भी कर रहे हो, इना को भी नाल सो कड़े में पूरा शान भी मिल गया, मोटर भी मिल गई, नाल खाडा भी बन गया। हां तो ये सारे काम इनके हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक गरीब का काम हो गया है तो हमारा। हाँ इनका कोई भी नहीं है करने वाला, इसके शोर हैं करने वाले, लेकिन ये नहीं है कि ये ऐसी चीजें नहीं लगवा सकते। हाँ ये बहुत महंगी लगती हैं, और क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा ये कमा के 200-300 बना आते हैं, लेकिन रोटी भी मुश्किल से। महंगाई इतनी है ना, घर में पानी लग जाएगा 20-30 साल तो उसकी मियाद है डोंकी की, वो नहीं जाता खराब। बिल्कुल चलता रहते हैं, हमारे घर में भी लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कभी खराब हुए माशाल्लाह। अभी हम घर चलते हैं इंशाल्लाह, सिस्टम हम घर चलते हैं। राशन भी आपको मिल गया और ये डोंकी पंप भी, और उनके लिए सबके लिए दुआ करती रहना।